हम सबको माननी पड़ेगी। और इसके पीछे रीजन मैं बता देता हूँ, अकेले जिसमें जोइन है, जो निगेटिव है उनकी बात नहीं करता, इसके पीछे बहुत सारी जो कंपनी, उनको पता है आने वाले टाइम में हमारा बोरिया इस तरह बंद कर देगी। ये एवरेज इनको सोल्यूशन प्राइवेट गाइडलाइन, ये भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चल रही है कंपनी। एक भी चीज अगर आज आप सब लोग मेरे साथ में खड़े हुए हैं, क्या कोई भी इन लीगल किसी ने कैश किया भाइयों? सारा एनएफटी के माध्यम से और सारा एनएफटी के माध्यम से सबको पैसा मिला। पीडीएस कार्ड का झांडा एक चेक और भी करवाई, सारा जमा है। कोई भी ऐसा नहीं है। करोड़ों रुपए टीडीएस गवर्नमेंट को मिल रहा है, सरकार करोड़ों रुपए टीडीएस के बाद मिल रहा है, तो उसके बाद जनवन आदमी का नाम क्या है? एवलेज इन्फो सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, सोशल ट्रेड के नाम से है। सोशल ट्रेड, तो इसमें ये सोशल ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे आप लोग काम करते थे, इसके लिए क्या करते हैं? देखिए, एक पूरा पोर्टल बनाया है, उसके लिए लाइक वगैरह जो आती थी, तो प्रधानमंत्री मोदी चला रहे हैं। आप ये बताइए, अगर इंडिया में अगर बंदा काम नहीं करेगा तो विदेश जाएगा क्या? हम लोग विदेश की कंपनियों का स्वागत करते हैं, फेसबुक पे वहाँ पर मार्क जुकरबर्ग एक फेसबुक बनाता है, उसको सब सपोर्ट करते हैं। बर्दाश्त करा, हमने एक्सेप्ट करा कि नोटबंदी होनी चाहिए, हमने साथ दिया। अगर प्रधानमंत्री की योजना के अनुसार हम डिजिटल में ज्वाइन कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कोई गवार लोग नहीं निकलाएंगे, और उसके बाद बाहर की कंपनियों को तो हम स्वागत करते हैं। फेसबुक पर उनकी आज तक करनी FIR हुई। एक मिनट सर, हमारे नेता जो रामपुर में, उन्होंने अजम खान जी ने कहा कि बिजली चोरी करी है, उसको LTF गिरफ्तार करे अभी तुरंत, कर सकती है क्या इमीडिएट? हम सब नहीं है, अभी है सर, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा थोड़ा जगह दीजिए यार, जगह दो भाई, डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है? आप वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या डिजिटल मार्केटिंग में? अरे भैया, तुम्हारा टीवी जैसा चलता है, पैसा मिलता है, तुम PR बना रहे हो, वैसे डिजिटल मार्केटिंग। आप देखो फेसबुक देखो, अनुभव फेसबुक लॉन्च कर दिया होगी, इस चीज से कि आने वाले टाइम का वर्ल्ड का सबसे बड़ा दिग्गज कौन बनेगा? डिजिटल मार्केटिंग। अगर कोई मान जरूरत को टक्कर देगा तो वो अनुभव मित्तल देगा। इसकी उम्र एज कम है तो उसे जो है ना बढ़ना रहे, वो बर्दाश्त नहीं हो रहे। कम एज का लड़का इतनी बड़ी ऊंचाइयां छू गया। अनुभव मित्तल कभी गलत हो नहीं सकता। आप उसका इंटरव्यू लो और बात करवाओ, हम सब उसके साथ में है। मैनी पूरा हिंदुस्तान उसके साथ में है।